आज हम बनाने जा रहे हैं क्विनोआ एंड ओट्स के डोसे। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके लिए हमने लिया है 1 कप ओट्स, ये प्लेन ओट्स है, मसाला ओट्स नहीं है। 1 कप किनोआ लिया है और ये उड़द की दाल है 2 से 3 टेबलस्पून, और सेम उसी क्वांटिटी में हमने चना दाल लिया है। इसके अलावा आप मूंग दाल भी ऐड कर सकते हैं। दाल ऐड करने से ये डोसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इन सब चीज़ों को हमें रात भर ओवरनाइट सोक करके रखना है। और ये हमने यहाँ पे पोहा लिया है, जो आप नॉर्मल पोहा घर पर बनाते हैं। इसको हमें ओवरनाइट सोक नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा पहले आप जब भी बनाना स्टार्ट करें उससे 1 घंटा पहले आप इसे सोक करके रख दें। ये मैंने ओट्स और किनोआ रात में ही सोक करने रख दिया था, और ये दाल वगैरह भी सब मैंने रात भर सोख करके निकाल लिया है, और ये पोहा मैंने अभी 1 घंटा पहले ही सोख किया था। तो बस अब हमें इसे मिक्सर जार में ग्राइंड करना है। तो इसका पानी सेपरेट करते हुए हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसका पानी आप फेंके नहीं, लास्ट में कंसिस्टेंसी जब हम एडजस्ट करेंगे तो यही पानी यूज़ करेंगे। बस इसे हम थोड़ा थोड़ा करके सारा ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने सब अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी जैसे नॉर्मल डोसा बैटर होता है बस उसी तरह से होना चाहिए। तो फिर चलिए हम इसके डोसा बना लेते हैं। ये देखिए, गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, और जब ये एकदम हॉट हो जाए तो इसको आप सिम पे करें, और इस पे हम ये डोसा का बैटर डालेंगे। धीरे धीरे हाथ से इसे राउंड शेप दें। ये देखिए, बस अब इसे आप सिम पर ही चारों साइड से पकने दें, इसको फुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। ये देखिए, हमें पूरा डोसा लो फ्लेम पे ही पकाना है, और चारों तरफ से तवा खिसकाते हुए, जिससे कि चारों तरफ इवनली कुक हो। नॉर्मली डोसा फुल फ्लेम पे पकाया जाता है, बट इस वाले डोसे में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। और ये थोड़ा पकने के बाद इसमें हम फिर ऑयल डालेंगे। आप अगर बटर या घी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो डालें। बस इसको इसको थोड़ा क्रिस्पी होने तक पकाएं, फिर हम इसे निकाल लेंगे। हमारा डोसा चारों तरफ से इवनली कुक हो गया है, तो हम इसे धीरे धीरे निकालेंगे। ये देखिए, ये इजीली निकल जाता है। हो सकता है आपका पहला डोसा खराब हो, लेकिन उसके बाद से ये इस तरह से क्रिस्पी डोसा आपके तैयार हो जाएंगे। हमारे ओट्स एंड क्विनोआ डोसा बनके तैयार हैं। हमने इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है।